नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पहले से 44वें नंबर पर आए शिवराज कमलनाथ की जगह बरकरार। जानिए विधानसभा में आपके विधायक की पोजीशन। हाल ही में निर्वाचित होकर आए सभी विधायकों की विधानसभा में बैठक व्यवस्था तय कर ली गई है। विधानसभा अध्यक्ष को छोड़कर सभी 229 विधायकों को सीट नंबर दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए सीट नंबर 1 रहेगी। उनके पास उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा बैठेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब पहली पंक्ति से चौथी पंक्ति में आ गए हैं। उनके लिए सीट नंबर 44 तय की गई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का सीट नंबर नहीं बदला है, वो पहले की तरह नेता प्रतिपक्ष के पास बैठेंगे। बता दें कि विधानसभा में बैठक व्यवस्था के हिसाब से कुल 232 सीट है। विधानसभा अध्यक्ष को छोड़कर 229 सदस्यों के लिए सभी सीट अलॉट की जाती है। 227, 231 और 232 नंबर सीट खाली रहती है। विधानसभा सचिवालय ने शिवराज सरकार में पावरफुल रहे नेताओं को शिवराज के साथ ही बैठाने का इंतजाम किया है। शिवराज मंत्रिमंडल में मंत्री रहे गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, प्रभुराम चौधरी, मीना सिंह आसपास ही बैठेंगे। पहले मिंटो हॉल में बैठते थे एमपी के 320 विधायक। मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के पहले सितंबर 1956 में ही नई एकीकृत विधानसभा के भवन के लिए मिंटो हॉल का चुनाव कर लिया गया था। तब यहां 320 विधायक बैठते थे। अंग्रेजी राज और नवाबी हुकूमत के दौर के बाद लोकतंत्रीय शासन के साक्षी मिंटो हॉल के निर्माण के पीछे बड़ी वजह थी। दरअसल 12 नवंबर 1909 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो अपनी पत्नी के साथ भोपाल आए थे। भोपाल की शासक नवाब सुल्तान जहां बेगम को यह कमी महसूस हुई कि लॉर्ड मिंटो को ठहराने के लिए भोपाल में अच्छा भवन नहीं था। इसके बाद ऐसे मेहमानों के लिए विशेष भवन बनवाया गया। उस वक्त इस भवन की लागत 3 लाख रुपए आई, लेकिन इसे बनाने में 24 साल लग गए। इस नई इमारत का नाम मिंटो हॉल रखा गया। सन 1946 में इससे इंटर कॉलेज की स्थापना हुई, जो बाद में हमीदिया कॉलेज के रूप में जाना गया। हमीदिया कॉलेज इस इमारत में 1956 तक लगता रहा। 1 नवंबर 1956 से ही भवन विधानसभा में तब्दील हुआ। तब से लेकर अगस्त 1996 तक मिंटो हॉल मध्य प्रदेश की 40 वर्ष की संसदीय यात्रा का साक्षी बना रहा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज।